वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद और आप देख रहे हैं सैयद आबिद टीवी। में आपको घर का फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा था, दो मरले का ये घर है, लालादर गार्डन फेज़ टू। ये आप राइट साइड की लोकेशन देखें, तकरीबन को 30 फुट की कारपेट रोड है इस पे, और जो है वो बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड की लोकेशन है, ख़ूबसूरत लोकेशन है। ये आप लेफ़्ट साइड पर देखें, जो है ये बंद गली है, बैरियर लगा हुआ है, और जो इसकी प्राइस है वो इंतहाई मुनासिब प्राइस है। ये आप फ्रंट एलिवेशन देखें, ये बेसिक दो घर हैं, एक घर सेल हो चुका है और एक घर अवेलेबल है। बहुत ही प्यारा घर बना हुआ है, सॉलिड डोर लगे हुए हैं इसमें। ये मैं भी अंदर जा रहा हूँ, ये गैराज आ गया सामने, छोटा गैराज है ये, और यहाँ पे जो है वो बाइक्स वगैरह लग जाएंगी, तकरीबन कोई 5-6 बाइक्स लग जाएंगी। ये आप देखें जी, मैं आपको ये लोकेशन विज़िट करवा रहा हूँ, और ये जो गैराज के फॉल सीलिंग आप देख रहे थे, और अभी मैं जो है वो टीवी लॉन्च में जा रहा हूँ। खूबसूरत टाइल लगी हुई है, आरसीसी लेंटर है इसका। ये आप सारा लाउंज का एरिया देख रहे हैं, ये फॉल सीलिंग देखें, प्यारी और ख़ूबसूरत फॉल सीलिंग है। और ये एक साइड के ऊपर जो है वो किचन है। ये बेसिक अभी काम जो है वो लास्ट मराहल पे चल रहा है, फिनिशिंग हो रही है, तकरीबन कोई 7-8 दिन का काम है। ये अभी मैं जो है वो बेडरूम में जा रहा हूँ। ये आप बेडरूम देखें, स्पेशियस बेडरूम है, बड़ा अच्छा साइज़ है बेडरूम का। ये आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं, और ये देखें जी फॉल्स, ये आप 2-डोर वार्डरोब। ये अटैच वॉशरूम, अच्छा साइज़ है वॉशरूम का भी। यहाँ पे जो है वो कमोड लगेगा, टाइल लगी हुई है, कितनी खूबसूरत टाइल है। फॉल सीलिंग आप देखें वाइट कलर में, और मैं भी आपको वॉशिंग एरिया जो है वो विज़िट करवाता हूँ। ये वॉशिंग एरिया आ गया, ये मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ ऊपर वाले पोर्शन में। टोटल 3 बेड का ये घर है, 1 बेड नीचे है, 2 बेड ऊपर हैं। बड़ा खूबसूरत मार्बल लगा हुआ है सीढ़ियों के अंदर। ये अभी मैं ऊपर आ गया, ये जो है वो ओपन स्पेस है, दोनों बेड के दरमियान में ये स्पेस में आप देखें। ये इसकी फॉल सीलिंग देखें, और अभी मैं बेडरूम के अंदर जा रहा हूँ जो फ्रंट के ऊपर है। ये इसमें भी आप देखें 2-डोर वार्डरोब है, फॉल सीलिंग, यहाँ पे एल्युमिनियम के विंडो इंस्टॉल होनी है। ये अभी मैं दूसरे बेडरूम में जा रहा हूँ, यानी कि बेडरूम नंबर 3। इसका भी अच्छा साइज़ है, ये जैसे नीचे बेड है इसी तरह ऊपर बेड है। या फॉल सीलिंग आप देखें, बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत फॉल सीलिंग, 2-डोर वार्डरोब। इसकी जो बेसिक अगेन लोकेशन आप समझ लें, मरगज़ार कलोनी है, उसके साथ ही मरगज़ार कलोनी से पहले लालाज़र गार्डन फेज़ 2 है। सब्ज़ाज़ार और मरगज़ार कलोनी के मिड में वॉकिंग डिस्टेंस पे बैंक, स्कूल, हर एक चीज़ मौजूद है। ये अभी मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ ऊपर वाले वॉशरूम में, इसमें WC है, बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत वुड स्टाइल में टाइल लगी हुई है। फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं,
वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखा गया यहाँ पे। ये मैं अभी जो है वो टॉप पे जा रहा हूँ छत के ऊपर। ये ममटी जो है वो इसका भी अच्छा साइज़ है ममटी का। और जो है अभी मैं अभी आपको छत भी दिखाता हूँ। एक वॉशरूम जो है वो बैक साइड पे वो भी बनाया गया है। अभी मैं आपको फ्रंट साइड दिखाता हूँ इसके। ये आप फ्रंट साइड देखें। लास्ट मराहल पे कोई मैक्सिमम कोई एक हफ़्ते का काम है। ये मैं अभी ये बैक साइड पे जा रहा हूँ। ये बैक साइड जो आ गई, ये अब देखें जी बैक साइड पे एक वॉशरूम है। ये वॉशरूम देखें आप, इसमें भी टाइल शेल लगी हुई है, अच्छा साइज़ का ये भी वॉशरूम है। वॉशिंग एरिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। बहुत सारी दुआओं के साथ सैयद आबिद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।